हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। दोस्तों आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कि ड्राई और ऑयली स्किन वाले कैसे घर बैठे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ ब्लीच कर सकते हैं अपनी स्किन को इंस्टेंटली ग्लो देने के लिए। दोस्तों ब्लीच करने से डेड स्किन साफ होती है, साथ ही अगर आपको अनवांटेड फेशियल हेयर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ब्लीच जो है ये आपके अनवांटेड फेशियल हेयर को हाइड करने का भी काम करती है। साथ ही समर सीजन में हमारा जो स्किन टोन है वो अनइवन हो जाता है, ये नॉर्मल बात है दोस्तों। तो ब्लीच जो है आपके स्किन टोन को एक समान बनाए रखने का भी काम करती है। साथ ही अगर आपको किसी फंक्शन या पार्टी में जाना है और आपके पास पार्लर जाने का इतना टाइम नहीं है, और साथ ही अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल लग रही है, तो उसके लिए आप ब्लीच का यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन को तुरंत निखारने के लिए। दोस्तों ये स्किन की रंगत को निखारने का काम करती है और आपको इसका रिजल्ट जो है दोस्तों तुरंत ही देखने को मिलता है। वैसे मार्केट में कई तरह के फेशियल ब्लीच अवेलेबल हैं, बट इसमें केमिकल होने की वजह से ये हमारी स्किन को हार्म पहुँचाते हैं और कितने बार इनका यूज़ करने से हमारी स्किन को कई तरह के साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं दोस्तों। और कितने बार तो ये होता है हम केमिकल बेस्ड ब्लीच परचेस तो कर लेते हैं बट उसको यूज़ करने का सही तरीका हमें पता नहीं होता है। मीन्स उसमें आपको जो आप मार्केट से परचेस करके लाते हैं उसमें आपको बेस क्रीम और एक्टिवेटर आपको उसमें मिलता है, तो इन दोनों की क्वांटिटी आपको घर पे बनानी पड़ती है, ब्लीच घर पे रेडी करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कितने बार हमें नॉलेज नहीं होती है कि कितनी क्वांटिटी बेस क्रीम की रखनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी एक्टिवेटर की रखनी चाहिए। तो अगर आपने गलती से भी एक्टिवेटर की क्वांटिटी अगर ज़्यादा कर दी तो ये आपकी स्किन को हार्म पहुँचा सकता है, आपकी स्किन इससे जल भी सकती है दोस्तों। और कितने बार तो इसका मतलब रिएक्शन भी हमारी स्किन पर हो जाता है, या तो एलर्जी आपको हो सकती है, इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है। तो इसको यूज़ करना थोड़ा रिस्की होता है हम लोगों के लिए, तो इससे अच्छा क्यों ना आप घर पर ही नेचुरल तरीके से ब्लीच रेडी करें खुद के लिए अपनी स्किन की रंगत को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ना कि दोस्तों अपनी स्किन की रंगत को खोने के लिए। जो ये बाहर वाले केमिकल बेस्ड ब्लीच होते हैं ये हमारी स्किन की रंगत को एक टाइम के लिए तो बहुत ज़्यादा निखार देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो होता है इसका साइड इफेक्ट भी हमारी स्किन पर होने लगता है। सो मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो नेचुरल रेमेडी है दोस्तों। तो बिना टाइम इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो दोस्तों प्लीज़ नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आप नीचे प्रेस कर लीजिए। साथ में आपको छोटी सी घंटी मिलेगी दोस्तों, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों घर पर नेचुरल ब्लीच बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए स्मॉल साइज का एक आलू, साथ ही आपको चाहिए बेसन, उसके साथ आपको चाहिए गुलाब जल, और नेक्स्ट आपको चाहिए लेमन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो, और साथ ही हनी अगर आपकी ड्राई स्किन है तो। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आलू को छील लेना है और उसको आपको ग्रेट कर लेना है दोस्तों इस तरीके से। और इसका जो है हम रस नहीं निकालेंगे बल्कि इसे हम ऐसे ही यूज़ करेंगे ताकि ये और अच्छे से काम कर सके हमारी स्किन पे। तो इस तरीके से मैंने इसको एक बाउल में ले लिया है लगभग एक चम्मच के करीब। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी सबसे पहले एक चम्मच बेसन, नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगी दो चम्मच रोज़ वाटर के दोस्तों। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो ये आपका ब्लीच बनकर रेडी है दोस्तों, नॉर्मल स्किन वाले इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक चम्मच नींबू का रस इसमें ऐड करना है दोस्तों। तो मेरी ऑयली स्किन है तो मैं यहाँ पर एक चम्मच नींबू का रस इसमें ऐड कर रही हूँ। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ड्राई स्किन वाले नींबू की रस की जगह यहाँ पर एक चम्मच शहद ऐड कर लें दोस्तों। अब इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लें और ये आपका ब्लीच बनकर रेडी है दोस्तों। तो अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो इसको यूज़ करने से पहले आपको अपनी स्किन को क्लींजर या फेस वॉश से अच्छे से क्लीन कर लेना है, उसके बाद आपको इसको अप्लाई करना है। तो इस तरीके से हल्के हाथों से आपको मसाज करते हुए इसको अप्लाई करना है, मतलब फेस में हल्के हल्के हाथों से मसाज भी करते रहनी है। मसाज करने के बाद पूरे फेस पर आपको इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे हमने जो इसमें आलू ऐड कर रखा है, तो आलू में जो एक एंजाइम होता है दोस्तों जो हमारी स्किन की रंगत को निखारने का काम करता है, साथ ही ये डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम से भी छुटकारा दिलाता है। साथ ही गुलाब जल जो हमने इसमें ऐड कर रखा है, आपको सभी जानते हैं कि गुलाब जल जो है समर सीजन में हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, साथ ही बेसन स्किन को एक्सफोलिएट करने का भी काम करता है और स्किन टोन को फेयर भी करता है।
साथ ही ऑयली स्किन वाले इस पैक के साथ अगर नींबू का रस ऐड करते हैं तो नींबू जो है ऑयल प्रोडक्शन को कम करके स्किन को ऑयल फ्री बनाता है। साथ ही ड्राई स्किन वाले इस पैक के साथ शहद ऐड करते हैं तो वो जो उनकी स्किन को जो है मॉइस्चराइज बनाए रखने का भी काम करता है दोस्तों। तो ये मैंने अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। इसको आपको 10 से 15 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। देन ड्राई होने के बाद फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना दोस्तों, और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं इसके एक बार यूज़ से ही। इसका यूज़ आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना दोस्तों, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो भी आप जल्दी से कर लेना दोस्तों, मेरी ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ को देखने के लिए। सो ऐसी मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगी। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट